ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रूल्स है, क्या क्या रूल्स है यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ठीक है, दे मस्ट बिगिन विथ ए लेटर और अंडरस्कोर। ठीक है, लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, सेकंड है दे मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली लेटर्स, डिजिट और अंडरस्कोर। ठीक है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं होता। स्पेशल कैरेक्टर मतलब क्या क्या होंगे, एट द रेट, हैश, ठीक है, स्लैश, डॉट, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स, ये सारे हम लोग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, सिर्फ लेटर्स होंगे। लेटर्स मतलब ए से लेके जेड तक, 0 से लेके 9 तक बस, और अंडरस्कोर। ठीक है, इनके बीच में ही हम लोग जो अपना आइडेंटिफायर है वो बना सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 है इट शुड नॉट बी ए कीवर्ड। ठीक है, जो 32 कीवर्ड पहले से डिफाइन किए गए हैं वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बना दिया यहाँ पे इंट इंट। ठीक है, इंट क्या है, कीवर्ड है। ठीक है, सेम नाम का मैं आइडेंटिफायर नहीं बना सकता। ठीक है, सेम नाम का आइडेंटिफायर नहीं बना सकता क्योंकि ये पहले से डिफाइन है। अगर मैं सेम आइडेंटिफायर बना दूंगा तो कंपाइलर क्या है, कंफ्यूज हो जाएगा कि ये कीवर्ड है या ये कीवर्ड है, किसको मैं कीवर्ड मानूं, तो ये वैलिड नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट मस्ट नॉट कंटेन वाइट स्पेस। ठीक है, वाइट स्पेस मीन्स कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग को स्पेस को हटाना है या स्पेस को भरना है तो हम लोग अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं या फिर हम लोग कैमल केस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट रूल है इसका, इट शुड अप टू 31 कैरेक्टर्स लॉन्ग एस ओनली फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए, 31 कैरेक्टर्स होने चाहिए अपने आइडेंटिफायर्स। ठीक है, तो ये रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर बनाने के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें। ओके, तो यहाँ पे जो अगला हमारा टोकन है वो है कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट मतलब क्या होता है, स्थिरांक। ठीक है, स्थिरांक मतलब कोई एक ऐसा अंक होता है जो स्थिर होता है, वो कभी बदलता नहीं है। जैसे मान लो मैंने 100 रुपए का नोट लिया, 100 रुपए का नोट सभी लोग जानते हैं। ठीक है, ये मैं 100 रुपए का नोट लिया, मैं इसको बोलता हूँ कि ये 200 है, कोई मान लेंगे क्या? ठीक है, या फिर मैं इसको बोलता हूँ, इसको चेंज करके मैंने 500 कर दिया, तो मान लेंगे क्या? नहीं मानेंगे। ठीक है, मैंने इसको 100 को बोल दिया, चेंज करके मैं कर दिया 2000, मान लेंगे क्या? क्योंकि 100 रुपए का नोट तो 100 रुपए ही होगा, वो 200 भी नहीं हो सकता, 500 भी नहीं हो सकता, 2000 भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये क्या है, कॉन्स्टेंट है, एकदम स्थिर है। 100 मतलब 100, 100 की वैल्यू 100 ही होगी, 200 की वैल्यू 200 ही होगी, 500 की वैल्यू 500 ही होगी, 2000 की वैल्यू 2000 ही होगी। ठीक है, तो कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको हम लोग कभी बदल नहीं सकते। ठीक है, तो वैसे ही जो वैल्यू होती है, जो मान होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टेंट। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट, स्थिरांक। ठीक है, जैसे हम लोग कोई भी वेरिएबल्स बनाते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होता है वो हम लोग कुछ देर में देखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने एक इंट ए बना लिया और इसको मैंने कर दिया 50। ठीक है, अब वेरिएबल की वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल की वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं। लेकिन जैसे मान के चलो पाई की वैल्यू होती है, पाई सब लोग जानते हैं, पाई जो मैथ्स में यूज करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 3.14। ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती कभी भी, या तो 22/7 होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ये हमेशा स्थिर होता है। कहीं पर भी हम लोग यूज करें, 3.14 की वैल्यू सेम होती है। तो जो यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, कांस्टेंट आर आल्सो लाइक नॉर्मल वेरिएबल्स बट ओनली डिफरेंस इज देयर वैल्यूज कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय द प्रोग्राम वंस दे आर डिफाइंड। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है, नॉर्मल वेरिएबल जैसा ही होता है लेकिन उसकी वैल्यू कभी भी चेंज
नहीं होती है, ठीक है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो कुछ कुछ जो हम लोग वैल्यूज को डिफाइन करते हैं, कुछ कुछ वैल्यूज को हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे इंट इक्वल टू 50 कर दिया, इसके सामने मैं लिख दूंगा कॉन्स्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट में लिख दूंगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वो कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। और ए की वैल्यू हमेशा 50 होगी, ए की वैल्यू हमेशा 50 होगी, ठीक है। तो कांस्टेंट जब हम लोग प्रोग्राम्स वगैरह बनाएंगे तो कांस्टेंट भी वहां पे यूज करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग धीरे 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 हम लोग प्रोग्राम में यूज करते जाएंगे और समझ में आते जाएगा हम लोग को कहाँ पे क्या चीज हम लोग को इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो कांस्टेंट समझने के लिए बस इतना ही है कि हम लोग यहाँ पे कोई ऐसा वेरिएबल लेते हैं जिसकी वैल्यू हमेशा सेम होगी, वो कभी भी बदलेगी नहीं, उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमेशा समान रहेगी, सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। हम लोग उसमें कोई भी कैलकुलेशन करके कभी भी उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, स्थिरांक। जो हमारा नंबर सिस्टम होता है, उस नंबर सिस्टम में तीन टाइप के नंबर होते हैं, ठीक है। एक होता है डेसिमल, डेसिमल होता है, ऑक्टल होता है, और हेक्साडेसिमल होता है, ठीक है। डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, तीन टाइप के हमारे पास नंबर्स अवेलेबल होते हैं। जो डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है, जो 0 से लेके 9 के कॉम्बिनेशन में कोई नंबर बनाता है, ठीक है, उसमें 0 भी रहेगा 1 भी रहेगा 2 भी रहेगा 3 4 5 6 7 8 और 9, इस 0 से लेके 9 तक के बीच में नंबर्स होंगे। जैसे कि यहाँ पे 9 8 2 7 1 0 0 0 2 2, ऐसा कोई भी नंबर, इसमें 9 भी आ रहा है 8 भी आ रहा है 2 भी 7 1 0 0 2 2, सब सब आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का को कोई भी नंबर होगा, वो कैसा नंबर होगा? डेसिमल नंबर सिस्टम में होगा, ठीक है। अब सेकंड आता है ऑक्टल, ऑक्टल में जो रहेगा वो 0 से लेके 7 तक रहेगा, 9 तक नहीं जाएगा, 9 मतलब डेसिमल हो जाएगा, ऑक्टल में 0 से 7 तक, ठीक है। इसमें 9 और 8 को छोड़ के सब नंबर होंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 तक, इसके ही कॉम्बिनेशन में, सॉरी 0 भी आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 तक के कॉम्बिनेशन पे नंबर्स बनेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। देन उसके बाद आता है हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल मतलब क्या होगा कि 0 से लेके 9, ठीक है, फिर 9 के बाद आ जाता है 10, 10 से चालू हो जाता है ए, अल्फाबेट चालू हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, एफ तक, मतलब कैरेक्टर्स कितने हुए, 0 से 9 हो गया मतलब 10, ठीक है। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6, मतलब 10 और 6 कितना हो गया, 16, मतलब 0 से लेके 16 इसको काउंट करते हैं, मतलब इसमें कितने नंबर होंगे, 16 होंगे, 16 इसमें 16 की कॉम्बिनेशन होगा, 0 से 9 और उसके बाद ए टू एफ, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग को बस बेसिक चीजें जानना थी कि ऑक्टल क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, और डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है। तो वापस हम लोग अपने नोट्स में आते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑक्टल हेक्साडेसिमल कांस्टेंट यहाँ पे जो दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। 0 1 3 और उसका बेस रहता है 8, ठीक है, बेस रहता है 8, ठीक है। हेक्साडेसिमल में 0 1 3 बेस रहता है 16, ठीक है, इस प्रकार का। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर सिस्टम में हम लोग ले सकते हैं। तो जनरली हम लोग इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट में ही डील करते हैं,
हम लोग ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और ये सब में हम लोग कभी नहीं करते हैं। इंटीजर कांस्टेंट और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट तक ही हम लोग करते हैं। ऑक्टल और हेक्साडेसिमल बहुत रेयर यूज, जब हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग तब यूज करते हैं। अदरवाइज हम लोग बहुत रेयर केस में ही हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद फोर्थ आता है कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स। कैरेक्टर मीन्स क्या होता है, कोई भी सिंगल बिट में, ठीक है, जैसे यहाँ सिंगल कोट्स में हम लोग लिख दिए हैं ए, ये एक कैरेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल ए हम लोग लिख दिए, ये एक कैरेक्टर है। यहाँ जेड लिख लिए, ये एक कैरेक्टर है, ठीक है। तो जो भी हम लोग यहाँ सिंगल कोट में लिख देते हैं, उसका मतलब होता है वो कैरेक्टर है। क्या बोलते हैं उसको? कैरेक्टर, ठीक है। जो भी चीज हम लोग सिंगल कोट में लिख लें, सिंगल कोट में तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। ए की वैल्यू ए ही होगी, स्मॉल ए मतलब स्मॉल ए, कैपिटल ए मतलब कैपिटल ए, जेड मतलब जेड, ठीक है, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। तो ये था कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट, ठीक है। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट मतलब क्या होता है, हम लोग कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को बोलते हैं स्ट्रिंग। हम लोग अगर एक साथ ऐसे कैरेक्टर्स को लिख देते हैं तो क्या बन जाता है, स्ट्रिंग बन जाता है। और स्ट्रिंग में हम लोग यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखते, उसको हम लोग डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो जो भी हम लोग इस डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे वो क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे कैरेक्टर को पहचानेंगे कैसे, जो सिंगल कोट में है वो क्या होगा, कैरेक्टर होगा, और जो डबल कोट में होगा वो क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, ठीक है। जो भी हम लोग यहाँ डबल कोट में लिखेंगे वो क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट में हमारे पास फोर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट होते हैं जो हम लोग रे हर जगह यूज करते हैं। इंटीजर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, जिसमें कोई भी डेसिमल प्लेसेस नहीं होते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स होते हैं, जिसमें कोई भी डेसिमल प्लेस नहीं होता, कोई भी दशमलव में संख्या नहीं होती है, ठीक है। सेकंड होता है रियल और फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट, ठीक है, जिसमें हम लोग डेसिमल प्लेसेस में भी नंबर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 0 3.03 इस टाइप का डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, यहाँ पे कोई डेसिमल प्लेसेस नहीं है इंटीजर, ठीक है। देन उसके बाद इम्पॉर्टेंट है कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। कैरेक्टर कॉन्स्टेंट में क्या होगा, सिंगल कोट में हम लोग वैल्यूज ले सकते हैं, ठीक है। तो वो कोई अल्फाबेट हो सकता है, वो कोई नंबर हो सकता है, वो कोई सिंबॉल भी हो सकता है, ठीक है। फिर आता है स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट मतलब क्या होगा, कि जो भी चीज हम लोग डबल कोट्स में लिख देंगे वो स्ट्रिंग कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डबल कोट्स में लिख दिए साई कॉलेज। साई कॉलेज क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग मतलब होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। कैरेक्टर का अगर हम लोग कलेक्शन करके एक साथ लिख देते हैं, यहाँ पे एस एक कैरेक्टर है, ए एक कैरेक्टर है, आई एक कैरेक्टर है, सी एक कैरेक्टर है, ओ एक कैरेक्टर है, एल एल एक कैरेक्टर है, ठीक है, दोनों अलग अलग है, ई एक कैरेक्टर है, जी एक कैरेक्टर है, और यहाँ पे ये भी एक कैरेक्टर है, ठीक है। तो सारे कैरेक्टर को हम लोग एक साथ लिख दिए तो क्या बन गया, स्ट्रिंग बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स बना सकते हैं। और ये सारे कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, टोकन होते हैं। ये सारे कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, टोकन होते हैं। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, स्ट्रिंग आर नथिंग बट एरे ऑफ कैरेक्टर्स एंडेड विद ए नल कैरेक्टर, ठीक है। मतलब इस टाइप का कोई कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होगा जिसको हम लोग एंड करते हैं स्लैश जीरो से, एंड करते हैं स्लैश जीरो से, ठीक है। अब ये क्या चीज है स्ट्रिंग, बस इतना जान लो कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। दिस नल कैरेक्टर इंडिकेट्स द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आर ऑलवेज एनक्लोज इन अ डबल कोट्स, ठीक है। स्ट्रिंग आर ऑलवेज enclosed in a double quotes, ठीक है, whereas character is enclosed in a single quotes, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग सिंगल कोट में लिखे हैं इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर, ठीक है, सिंगल कोट।
जो है उसको कैरेक्टर बोलते हैं, और जो डबल कोट में हम लोग लिख देते हैं उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम लोग सिंगल कोट की कलेक्शन को अगर हम लोग बोलें तो इसको भी हम लोग स्ट्रिंग ही बोलते हैं, जब हम लोग इस प्रकार से ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर देते हैं, मतलब ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिख देते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, तो जनरली जो स्ट्रिंग्स होते हैं हम लोग उसको डबल कोट्स के अंदर ही बनाते हैं, इस प्रकार का ऐसा अलग अलग सा हम लोग नहीं बनाते हैं, बहुत रेयर केस में बनाते हैं। काम वो भी करता है, काम ये भी करता है, दोनों एक जैसे ही होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे इजी फॉर्म में यहाँ पे लिखते हैं डबल कोट्स। ठीक है, तो जो भी हम लोग डबल कोट्स में लिखते हैं वो क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। ठीक है, स्पेशल सिंबल्स क्या होंगे जिसमें हम लोग ब्रैकेट, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, सेमी कॉलन, स्टार, इक्वल टू, हैश, ये सारे क्या होते हैं, स्पेशल सिंबल्स होते हैं। ठीक है, तो स्पेशल सिंबल्स को हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी 1 मिनट में मीटिंग बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आधे में रह जाएगा।